अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू फैज़ा काशी व्लॉग्स। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी फ्यूजन कढ़ी की रेसिपी। कढ़ी के लिए सबसे पहले मैं पकौड़ों का बैटर बना के साइड में रख देती हूँ। उसके लिए मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो ताज़ा बेसन, उसमें मैंने मिलाई है एक टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, एक टी स्पून हल्दी, एक टी स्पून जीरा, चुटकी भर सोडा और एक टी स्पून कुटा हुआ धनिया और अजवाइन आधा टी स्पून, 6 दरमियानी मीडियम प्याज बारीक कटी हुई, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन, आधी गड्डी धनिया और 4-5 हरी मिर्च अपने जायके के हिसाब से हम इसमें काट के मिला लेंगे। अजवाइन मैंने बाद में मिलाई है, मैं उस वक्त मिलाना भूल गई थी। अब इस पकौड़ों के बैटर को हम अच्छी तरीके से हाथ से फेंटेंगे और फिर इसको आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो गाढ़ी दही ली है, जो तकरीबन 2-3 दिन तक फ्रिज में रखी हुई थी ताकि वो अच्छी तरह खट्टी हो जाए, क्योंकि खट्टी कढ़ी नहीं होगी तो मज़ा नहीं आता है। उसके लिए मैंने तकरीबन मिलाने के लिए इसमें मैंने 1.5 प्याली बेसन लिया है, तकरीबन 400 ग्राम। उसको बेसन को पहले मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, यानी मैंने पतीली में सिर्फ चूल्हा ऑन किया नीचे और उसके अंदर मैंने बेसन डाल के इसमें चम्मच चलाया है हल्की आँच पर, ताकि इसका जो सौंधापन है वो आ जाए और जो कच्ची स्मेल जो आती है बेसन में से वो ख़त्म हो जाए, जिसके ख़त्म करने के लिए हमें कढ़ी को बहुत देर तक पकाना पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जिसकी वजह से हमारी कढ़ी जल्दी बन जाती है। अब इस बेसन को जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे दही में मिला के साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल पतीली में लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून राई दाना और इनको डाल के हल्का सा कड़कड़ा देंगे। इसी के साथ हम इसमें आधी दरमियानी प्याज को बारीक काट के फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इतने ये फ्राई होगी इतने हम अपने ये 6 जवे जो हमारे पास लहसुन के हैं इसको कूट के वो इसमें शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। हमारी प्याज बिल्कुल तैयार हो गई है, अब हम इसमें जो है अपना कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। अब हम इसमें 1 कश्मीरी मिर्च और अपना कड़ी पत्ता शामिल करेंगे, 2-3 स्टिक्स पत्तों की स्टिक्स के साथ जो है वो हम शामिल करके इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हमारा बघार रेडी हो गया। अब हम अपने बघार में थोड़ा सा पानी शामिल करूंगे और उसमें मैं ड्राई स्पाइसेस जिसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, अदरक और हरी मिर्चें ये दोनों मैंने कूट ली हैं और 1 टीस्पून नमक। नमक अपने हिसाब से डालिएगा, मैं नॉर्मली कम रखती हूँ क्योंकि बाद में मिलाया जा सकता है नमक, लेकिन तेज़ नमक कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसको हम भून लेंगे यहाँ तक कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 3-4 मिनट भूनने के बाद ही हमारा मसाला रेडी हो गया है और इसमें हमने ये जो अपनी दही और बेसन की लस्सी बना के रखी हुई थी ये हम शामिल करेंगे। इसमें इसके अलावा मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी वक्फे वक्फे से और शामिल किया है। ये देखिए मसालों की वजह से हल्दी और ये जो अपनी मेथी दाना और फ्राई की वजह से कितना अच्छा पीला रंग आ गया है और जायका भी बहुत अच्छा है। ये हमारी कश्मीरी मिर्च है जिसको हम बाद में निकाल लेंगे, इसका फ्लेवर इसके पकने के साथ इसमें कढ़ी में बहुत अच्छा आ जाता है। साथ के साथ मैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाती रही हूँ 10 से 15 मिनट तक। ये हमारी कढ़ी जो है बिल्कुल गाढ़ी होकर तैयार हो गई थी और हमारी बिल्कुल ये रेडी हो चुकी थी कढ़ी। अब हम इसमें पकौड़े शामिल करेंगे, इतने हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। हमारा पकौड़ों का बैटर आधे घंटे से रखा हुआ था, मैंने दरमियानी आँच पे तेल गरम करने रख दिया है। साइड में हमारे चावल बॉईल होने के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया जिसमें 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाल के ढक के बॉईल होने रख दिया है। जब पानी खोल जाएगा तो उसमें मैं चावल शामिल करूँगी।
इतने हम पकौड़े दरमियानी आँच पर फ्राई कर लेते हैं ताकि वो अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए, वरना तेज़ आँच पर पकने वाले पकौड़ों के ऊपर से पक जाते हैं और अंदर से सख्त और कच्चे होते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, बल्कि कड़ी का जायका भी खराब होता है। इसमें पानी खोल गया था तो मैंने चावल शामिल कर दिए, हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं तो अब मैं इनको निकाल के डायरेक्ट कड़ी में शामिल कर दूँगी। कड़ी इसलिए नॉर्मल थोड़ी रखिएगा, ज़्यादा गाढ़ी ना हो, वरना क्योंकि पकौड़े भी कड़ी का पानी सोख करके थोड़े से स्वेल अप हो जाते हैं तो कड़ी हमारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी, तो कड़ी थोड़ी सी पतली होनी चाहिए ताकि हमारे जब पकौड़े इसमें शामिल हों तो हमारी जो कड़ी है वो ज़्यादा गाढ़ी ना हो। नॉर्मली पकौड़े शामिल करते हुए कड़ी को आप हल्के आँच पर चूल्हे पर रखिएगा, मैं इसको दोबारा से थोड़ी देर के लिए गर्म कर लूँगी बघार लगाने से पहले। कड़ी में ऊपर से बघार लगाने के लिए मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है, 6 से 7 गोल लाल मिर्ची ली है, आधी कटी हुई प्याज ली है और तकरीबन 2-3 से 3 स्टिक अपनी कड़ी पत्ती की ली है। तकरीबन आधी प्याली मैंने तेल लिया है, उसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर ली है, प्याज के साथ मैं गोल मिर्चें और जीरा शामिल कर लूँगी। कड़ी पत्ता सबसे आखिर में मिलाएंगे वरना वो बिल्कुल जल जाता है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, जबकि लाल मिर्ची जो है हमें थोड़ी सी जलानी होती है तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बघार रेडी हो गया है और कलर कम्बिनेशन देखिए किस कदर खूबसूरत कलर है, सुभान अल्लाह। गरम कड़ी के ऊपर जो है हम अपना बघार शामिल कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप कि अगर आप बेसन को अच्छी तरीके से भून लेते हैं और मसाला पहले से अच्छी तरह बघार लेते हैं तो कड़ी आपकी फटाफट तैयार हो जाती है और आपको घंटों पकाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारी कड़ी चावल पकौड़ों के साथ तकरीबन 1 घंटे में तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चावल भी हमारे बिल्कुल रेडी है, इसको अब हम सर्व करते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।